ये क्रीम बहुत ही बेकार है, मनी वेस्ट प्रोडक्ट है। इतने मंथ यूज़ किया, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो इन सब कमेंट के जो है वो मैं जवाब इस वीडियो में क्लियर करूंगी। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और पूरी वॉच करनी है। तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्रीम पिगमेंटेशन और मिलास्मा के लिए होती है। और पिगमेंटेशन क्यों होती है? आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते, और इस वजह से आपको पिगमेंटेशन होती है। सन की जो रेज होती है आपकी स्किन को डैमेज करती है, और सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से आपके जो फेस पे पिगमेंटेशन होती है, और आपको प्रेगनेंसी में भी पिगमेंटेशन होती है। तो इसलिए सनस्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं और आप उसको लगा रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप अपने मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते। अगर आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट वो काम नहीं करेगी। जब आपको उस प्रोडक्ट का रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे और मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे अपने फेस पे। तो हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मस्ट होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़, आप सीरम कोई भी चीज़ यूज़ करें या कोई भी किसी भी चीज़ की क्रीम यूज़ करें तो उसके साथ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज मस्ट यूज़ किया करें। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करें और आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करें तो आप वो जितनी भी महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप डस्टबिन में फेंक रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं करें। सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी ए और यूवी बी रेस से। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, तभी पिगमेंटेशन आपकी कम होती है। और जिस तरह से आप सनस्क्रीन लगाते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पिगमेंटेशन खुद ही कम होती जाती है। और ये क्रीम जो है पिगमेंटेशन और मिलास्मा के लिए ही है, और ये मेडिकेटेड क्रीम है। ये आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगी। ये इस छोटी पैकिंग में भी आता है और ट्यूब में भी आता है। अगर आपकी ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपको 3 मंथ लगाना है, और अगर आपकी कम पिगमेंटेशन है तो 1 मंथ में भी आपका जो है वो सही हो जाएगी पिगमेंटेशन। लेकिन डेली लगाना है, सुबह भी लगाना है और रात में भी इसको लगाना है आपको। और ये क्रीम पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आप अगर आपके पिगमेंटेशन है और बहुत सी क्रीमें लगा चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप ये क्रीम लगा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो इससे आपकी पिगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। पिगमेंटेशन से आपका फेस बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमारे फेस पे ना ही पिगमेंटेशन हो, ना ही एक्नी हो, ना ही एक्नी के स्कार्स हो। और सबसे ज़्यादा जो है वो पिगमेंटेशन ही बुरी लगती है। तो इसलिए पिगमेंटेशन मिलास्मा फ्रेंकल के लिए बहुत अच्छी है ये क्रीम, और इसका रिज़ल्ट आपको 3 महीने के बाद मिलता है। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट अगर किसी को पिगमेंटेशन है और वो बहुत परेशान है, बहुत सी क्रीम्स लगा चुके हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप ये एक बार क्रीम लगाएं और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इसको सुबह शाम लगानी है। सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद ये क्रीम लगानी है, और क्रीम के साथ सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करना है और पिगमेंटेशन से है, आप चाहते हैं कि हमारा फेस क्लियर हो और अच्छा लगे, तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। उसके बाद ही आपका जो है वो पिगमेंटेशन भी ख़त्म होगी और आपकी स्किन जो है वो क्लीन लगेगी, क्योंकि पिगमेंटेशन होती है तो आपका फेस बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप सनस्क्रीन भी साथ लगाएं और ये क्रीम भी लगाएं। 3 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी ये क्रीम है। अगर जिसकी बहुत ज़्यादा कम है तो वो 1 महीने लगाएं, उसको रिजल्ट मिलेगा। किसी किसी की बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने के बाद भी लगाते रहे, 3 महीने उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आई होप कि जिसके भी सवाल थे इस क्रीम को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे।
इससे रिलेटेड जो भी आपको सवाल करना हो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, और जितने भी सवाल थे लोगों के उसके भी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।